नमस्कार दोस्तों, लोकसभा की तैयारी हाल रही है, जगह जगह नेताजी पहुंच रहा है, पर आज भी एक नेताजी मैंने मिली है तो उन्होंने बातचीत करो। सर आप सुनावी दौरा हाल रहे, कण विजन माता हाल रही है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ 20 साल में, कोई रेलगाड़ी की मांग रखी जाती है जनता द्वारा, कोई काम नहीं, 15-20 साल ऐसे खाली चले गए जालोसरी साथ छोड़ के। और साथ ही साथ आप देखिए, हमारे भाजपा के जो सांसद हैं वो तो अभी तक कई मुख्यालय पे तो रामाशामाएं करने नहीं गए, और डेवलपमेंट विकास ये मुद्दे लेके मैंने 2 दिन पहले, आप सब मीडिया वालों को पता है और तमाम क्षेत्र की जनता को पता है कि हमारा घोषणा पत्र पहली बार किसी प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र बताया है कि आने वाले 5 साल में क्या करने जा रहा हूँ। युवाओं के लिए रोजगार मेले लगाऊंगा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाऊंगा ताकि उनको खुद के घर में बैठ के रोजगार अपना खुद का चालू कर सके। भाजपा के सांसद ना राष्ट्रीय राजमार्ग ला सके यहाँ पे, दिल्ली की सरकार से कोई एक काम वो बता दें जो लेके आए हूँ। सवाल सर ये कि बीजेपी है और बीजेपी के सांसद होते हुए भी विकास नहीं हो रहा है, तो आप विपक्ष में होंगे कैसे विकास करेंगे? बिल्कुल, मैं चाहे हमें यहाँ भाजपा की सरकार राजस्थान में हो और दिल्ली में, हम लोग पूरी तरीके से, चाहे विशेष मालगाड़ी की बात कर रहे हैं हम, चाहे हम CSR और दूसरे माध्यमों से, हम पूरी बात यहाँ आपको रख रहे हैं। सवाल ये था कि सर आपने पहले होमवर्क किया, डायरेक्ट आप मैदान में उतरे हो, पहले होमवर्क आपका हुआ नहीं है? विपक्ष का सवाल, कौन सा होमवर्क? ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोकसभा में आपने सर्वे किया नहीं, अचानक आप आए? पूरा होमवर्क हुआ है। अभी कैसा मौसम चल रहा है, मैंने क्या मांग रखी है जनता ने? मुख्य जनता जो ठान के बैठी है कि भाजपा को विदा करना है इस लोकसभा क्षेत्र से। यहाँ पर मोदी लहर सबसे ज्यादा है और इस बार कांग्रेस को मौका मिलने के लिए ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और क्षेत्र की जनता डेवलपमेंट के ऊपर इस बार वोट देने वाली है कि भाजपा के सांसद ने जो 20 साल खराब किए हैं उससे जनता मन बना चुकी है कि जालोर सिरोही सांचोर लोकसभा में इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। गहलोत साहब की कल्याणकारी योजना था उसको लेकर जनता ने इस बार आपको मौका नहीं दिया, गहलोत साहब को वजह लाल किस क्या कर रहे हैं, ठप कर रहे हैं, बुजुर्गों को पूरी पेंशन नहीं दे रहे, बुजुर्गों का पूरा इलाज नहीं हो रहा। आपके ऊपर ये आरोप की लगता है कि राम मंदिर के खिलाफ में आप? किसने लगाया? विपक्ष ने, कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ। राम भक्त हैं हम, तो सब राम भक्त हैं, प्रभु श्री राम को हम तो हमेशा पूजते आए हैं, हमारे अंदर हम जिस तरह से पूजा पाठ, हमारे घरों में बचपन से हम पूजा पाठ हो चाहे धार्मिक आयोजन हो, हम सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सवाल ये था कि सर पूरी फैमिली आपकी आई है प्रचार में, परिवार से लेकर ससुर जी तक पूरा परिवार फैमिली पहुंच गई, एक देसी आदमी के सामने। और सरपंच के चुनाव में भी पूरा परिवार आ जाता है चुनाव में। मैन फोकस किस पे रहेगा आपका सबसे बड़ा फोकस? जो तीन पे रहेगा, ये जो 20 साल कोई काम नहीं हुआ उस पे रहेगा। सर प्रवासियों की बड़ी मांग है कि रेलगाड़ी को लेकर एक भी नेता भी ना तो विपक्ष में काम हो रहा है और ना कोई पक्ष में हो रहा है, तो इस बार 26 जने ये होगा 26 तारीख को मतदान, उसमें क्या आप प्रवासियों से पूछिए क्या हालात होते हैं, उनको यहाँ आने में कितनी तकलीफ होती है, यहाँ के लोगों में क्या हालात रहती है। रेलगाड़ी की तो सबसे महत्वपूर्ण मांग आज की नहीं 20 साल से है, और स्वर्गीय बूटा सिंह जी ने जो रेल एक चलाई थी उसके बाद आज तक भाजपा सांसद एक रेलगाड़ी नहीं चला सके। सवाल ये है कि सर आप बूटा सिंह का नाम लेकर प्रचार कर रहे हो, कहीं आप अपना नाम लेकर प्रचार नहीं हो रहा? कहीं पे कांग्रेस की योजना ये थी कि आपके परिवार गहलोत साहब ने ये पर तो जो क्षेत्र में जो सांसद पहले रहे उन्हीं का तो नाम की हम बात करेंगे कि कांग्रेस के सांसद ने ये किया था और भाजपा सांसद कुछ नहीं कर पाए। सर बीजेपी वोट माली समाज की सबसे ज्यादा रहती है और इस बार आप चेंज करने के लिए क्या? सर्व समाज की बात करता हूँ मैं, सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जर भी साबरी खबर होबरी जबान में ऊपर लग रही है अंशाल बहुत ही शानदार रुझान व्यवहार और रुझान के बाद में आम जनता कंट अपनी माहौल देखिए और सुबह की बड़ी सी जाए 26 तारीख ने सभी प्रवासियों की हाथ जोड़े निवेदन है कि एक बार आप मतदान करवा जरूर आ जाओ, कोई कन्न पक्ष में करे कोई विपक्ष में करे रही, पर आप तो स्पेशल हाथ जोड़े निवेदन है कि मतदान प्रतिशत बढ़ावर वास्ते अपने आम नागरिक ने सुबह ही ज्यादा मतदान देने बहुत जरूरी है। कैमरामैन यशपाल लाठी मारवाड़ी न्यूज जालोर चिरोही।